हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुनिया भास्कर 211। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आप लोग काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि अपने हस्बैंड से मिलवाइए, तो ये रहे हमारे हस्बैंड जी। हाय करिए। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? हाँ, और कुछ पूछना है आपको तो पूछिए। अभी कितने बज रहे हैं? अभी बज रहे हैं 3। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और हम बैठे हैं हमारे कमरे में। आप लोग कह रहे हैं घर दिखाइए, तो मैं आज तो पॉसिबल नहीं है, कल हो सके तो आपको दिखा दूंगी, क्योंकि यहाँ पर खुद मैं नहीं हूँ। और ये है ना, गांव का इलाका है, एक विलेज एरिया, क्या पता है गाँव का गाँव बचा है ना। तो डिस्ट्रिक्ट वगैरह बताइए, यहाँ बताइए। गाँव बचा और तहसील चंदोसी और डिस्ट्रिक्ट संभल स्टेट और स्टेट उत्तर प्रदेश यूपी यानी कि अप अप सुना आप लोगों ने यूपी शॉर्ट फॉर्म दिया इन्होंने अप मींस अप। अच्छा, आपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं बता दीजिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये ना बताइए ना, मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में। जोर से बोलिए क्या है? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज में। इंजीनियरिंग कॉलेज में ये असिस्टेंट प्रोफेसर बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए हाँ पढ़ाते हैं। कॉलेज का नाम तो बता दीजिए। MIT कहाँ है? बुलंदशहर। बुलंदशहर यूपी में। हाँ, और ये आ गए हमारे साहबजादे सचिन। सचिन चेहरा दिखा। तो ये सचिन मेरे भतीजे हैं, मेरे जेठ के लड़के छोटे वाले, जिन्होंने मुझसे आज सुबह एक शर्त लगाई स्कूल जाने के लिए। वैसे शर्त हमने कभी नहीं लगाई, इनका शर्त ये है कि इन्हें मुझे साइकिल खरीद के देना है तो ये स्कूल जाएंगे। अभी देखते हैं एक चीज, सचिन शादी करोगे किससे? ये कह रहे हैं कि शादी करेंगे वो भी मुझसे। बताइए, मैं इनकी चाची हूँ और इनको अभी शादी की नॉलेज कुछ है? शादी को जिम्मे पैसे हैं? शादी के जिम्मे चाचा क्यों देंगे? शादी तुम करोगे, शादी क्यों देंगे? एक तो अपनी बीवी देंगे और ऊपर से पैसे भी देंगे। पैसे भी देंगे। तो क्या है ना फ्रेंड्स, आप लोग कहते हैं कि रेगुलर वीडियो डालो, तो रेगुलर वीडियो डालना एक्चुअली अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो एक दिन में हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें भी मेरे पास फिलहाल अवेलेबल नहीं है, वो मेरे मैके में है। अब मैके से यहाँ लाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं मैके जाऊँगी तो वहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ की चीज़ें वहाँ, यहाँ की चीज़ें यहाँ खरीदेंगे। एक आध दो दिन में हम लोग जाएंगे मार्केट के लिए। हाँ, और अपने मैके में मैं जा रही हूँ 23 को, यानी 23 को मैं जा रही हूँ अपने मैके दिसंबर में। दिसंबर में जा रही हूँ आसाम अपने मैके। 25 को पहुँचेंगे ना? हाँ, 25 में हम पहुँच जाएंगे। तो जिस जो भी कोई मुरादाबाद के आसपास के रहने वाले हों, वो मॉर्निंग तो नहीं 22 दिसंबर शाम को रात को 8-9 हमसे रेलवे स्टेशन पर मिल सकते हैं। अच्छा, तो इनका ये कहने का मतलब है कि अगर कोई मुरादाबाद से या यूपी से ही बिलोंग करते हैं, अगर पॉसिबल है कि वो मिलना चाहें मुझसे, तो वो मीटअप कर सकते हैं मुझसे। कहाँ पे? मुरादाबाद स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पे 22 दिसंबर को, क्योंकि हमारी ट्रेन जो है एक्चुअली 23 ही पड़ जाती है, 23 को ही पड़ जाती है, क्योंकि 22 को रात को 1 हमारी ट्रेन है, तो डेट तो चेंज हो जाती है ना, 12 के बाद तो डेट चेंज हो जाता है। लेकिन वो रहेगी 22 रही, हाँ रहेगी 22 की रात को हम पहुंचेंगे वहाँ 8 के आसपास स्टेशन। हाँ, हम 4-5 आराम से वहीं रहेंगे। हाँ, तो देखिए आप पूछ रहे थे कि मेरे हस्बैंड का नाम क्या है, तो मैं इनसे आप बोलते नाम। मेरा नाम है बलवंत सिंह। बलवंत। कई लोगों को लगता था, कई लोग कमेंट करते, पता है आप लोग, आपको कई लोग कह रहे हैं कि हम, मतलब मैंने शादी मुमिटेरियन से करी है, यानी कि कई लोगों का कहना ये था कि हम, ये फैमिली मुस्लिम फैमिली है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये यूपी से बिलोंग करते हैं। और ये आपको मेरा सिंबल देख के नहीं लगता है, मेरे मांग में सिंदूर देख के क्या लगता है आपको?
यूपी वाले हैं, यहाँ यूपी में ज़्यादातर सूट वगैरह चलता है, और जहाँ की मुझे साड़ी पहनना पसंद है, तो हमारे आसाम का पहनावा यही है, आपको पता है। तो मैं तो फिलहाल कुछ दिनों के लिए ऐसे पहन रही हूँ, पर मैं जैसे ही मेके से वापसी हो जाएगी तो मैं भी यहाँ का ही पहनावा यूज़ करूँगी, जो कि सुविधा रहता है। और ये देखिए मेरी भतीजी खुशबू, इधर चेहरा दिखा, इधर। अरे खुशबू पहले से गोरी हो गई। खुशबू गोरी नहीं हुई है, खुशबू पहले से ही गोरी है, ठीक है। तो क्या कह रहे हो सचिन, क्या कह रहे हो? तो आई थिंक आप लोगों का जो भी है वो क्लियर हो चुका होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, ये ब्लॉग मैं ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकती, क्योंकि इनका इंट्रोडक्शन ब्लॉग था जो हो चुका है। अब नेक्स्ट टाइम मैं इनके साथ ब्लॉगिंग करूँगी, तो फिलहाल का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। शाम होने को आई है, वीडियो एडिट भी करना है, डालना है, तो इस ब्लॉग को यहीं एंड किया जाए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, हमारे हस्बैंड जी कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बेल आइकन ऑफ कोर्स प्रेस करते जाइए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी, बाय।